करोगे? बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल CCTV सिक्योर कैंपस GPS एनेबल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम गोल्फ कोचिंग स्टेम प्रैक्टिस स्कोरिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स एंड मेनी मोर एडमिशन ओपन। भारतीय जनता पार्टी में टिकट के दावेदार पार्टी के जिला कार्यालय पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और आपको बता दें कि महमूदाबाद नगर पालिका परिषद जहां पर पिछली बार अपने खास को अध्यक्ष बनाने वाले अमरीश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। खास बात यह है कि आप भी वहां पर चुनाव लड़ चुके हैं और आपका जो प्रदर्शन है वो बेहतरीन रहा है और उसी प्रदर्शन के आधार पर उन वोटों के आधार पर इस बार फिर से टिकट मांग रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब मजबूत हुई है, ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी से आवेदन करने के लिए भाजपा के जिला कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं। अमरीश जी जानना चाहते हैं कि महमूदाबाद जहां पर आपने अपने खास को दिग्गजों के बीच लड़ाकर और वहां पर उनको जिताने का काम किया, अब स्वयं टिकट मांग रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 बार 2007, 2012 और 2017 में मैं या मेरे परिवार के सदस्यों ने निकाय चुनाव में भाग लिया। तीनों बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में। जब पहली बार चुनाव हुआ 2007 में तो 8,231 मत मेरी भाभी जी को मिले और मैं सेकेंड नंबर पर रहा। प्रथम स्थान मिला मोहम्मद अहमद को जो 9,246 वोट पाए। दूसरी बार जब 2012 में चुनाव हुआ तो मुझे, मैं स्वयं प्रत्याशी था, 6,312 मत मिले और मैं लगभग 350 वोट से मोहम्मद अहमद से चुनाव हारा और 6,679 वोट मोहम्मद अहमद साहब को मिले। तिबारा जब चुनाव हुआ तो सीट बैकवर्ड थी, मैंने अपनी भाभी श्रीमती ममता सोनी जी को चुनाव लड़ाया और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने विजय प्राप्त की और 7,963 मत प्राप्त किए। दूसरे नंबर पर मोहम्मद अहमद रहे जो 6,556 वोट पाए। और इसी बीच में जो 2007 में सुरेश वर्मा जी प्रत्याशी रहे उन्हें 2706 वोट मिले और 2012 में जब वो प्रत्याशी रहे तो केवल 2579 वोट मिले। अभी तक हम लोगों का ये रिकॉर्ड रहा कि जो भी हिंदू प्रत्याशी हम लोगों के बीच में लड़े उनसे मेरा मत 6,000, 7,000 और 5,000 वोट अधिक रहा। मैंने लगातार प्रयास किया। इस बार मैंने सीमा विस्तार जैसा जो कार्य था जिसमें 18 हिंदू बाहुल्य गाँवों को जोड़ने का काम किया, लगभग 10,000 वोट बढ़ा जिसमें 9,000 हिंदू मत बढ़ा। ये कार्य भी सरकार के अनुसार हम लोग कर पाने में सक्षम रहे। आप परसीमन की लड़ाई को लेकर भी काफ़ी लड़े हैं और ये माना जा रहा है कि आप वहाँ पर जो है नगर पालिका के चुनाव को लेकर एक हमेशा से सक्रिय रहते हैं, तो ऐसे में क्या कहा जा रहा है पार्टी की ओर से? पार्टी के द्वारा हम लोगों ने अपना आवेदन दिया है, पार्टी जैसा निर्देश करेगी हम लोग वैसा कार्य करेंगे, हम लोग पार्टी के अनुसार कार्य करेंगे। लेकिन हम लोगों ने लगातार वहाँ पर सक्रियता रखी और माननीय विधायक आशा मौर्या जी के चुनाव में हमने तन मन धन के साथ में मेहनत की। माननीय सांसद राजेश वर्मा जी जब भी प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी से, उनके दोनों चुनाव में हमने खूब मेहनत की। तो इस उम्मीद पे हैं आपकी, सबके सारे चुनाव आप लड़वाते हैं और जीत के भी आए हैं और जब हारे हैं तो बहुत कम मतों से हारे हैं, तो ऐसे में आपको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी आप पर दांव जरूर लगाएगी? हाँ, हमें पूरा भरोसा है कि पार्टी हमारा जो पुराना प्रदर्शन रहा है उसको देखते हुए हमें इस बार प्रत्याशी जरूर बनाएगी और हमने जो पार्टी में लगातार सेवा की है हमें पार्टी उसका पुरस्कार अवश्य देगी। देखिए, ये अमरीश गुप्ता जो महमूदाबाद से आते हैं और इनका जो प्रदर्शन रहा अब तक का भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो वोट इन्होंने दिलाने का काम किया और जो जिताने का काम किया उसके आधार पर टिकट मांगने पहुँचे हुए हैं, इनको पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इन्हें अवश्य वहां पर टिकट देगी। इसी उम्मीद के साथ भाजपा के जिला कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक नगर पालिकाओं में चल रही है, कल जो है कोर कमेटी की बैठक होनी है। तीन पैनल में तीन नाम जाने हैं भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रीय कार्यालय को जाएंगे, इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय से प्रदेश कार्यालय को और
17 अप्रैल जो आखिरी नामांकन है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोल देगी यानी प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा और सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।